जाति और सामाजिक नशोनुमा में वो तमाम अवामिल शामिल हैं जिनका ताल्लुक बच्चे के जज्बात, ख्यालात और एहसासात की तरबियत से है। लिहाजा जाति और सामाजिक नशोनुमा का बच्चों की तालीम और तरबियत में शामिल होना लाजमी और जरूरी है। जाति और सामाजिक नशोनुमा के लिए जुबानी कलामी हिदायत की बजाय बच्चों को क्लास में ऐसी सरगर्मी का मौका दिया जाए जो इनकी पसंद के मुताबिक हो और जिसमें वो मिलजुल कर काम कर सकें। इस तरह इनमें बाहमी तआवुन और इज्तमाई सोच को फरोग मिलेगा। ये बात भी जरूरी है कि कमरे जमात में ऐसा माहौल दिया जाए कि बच्चे आजादी से अपनी राय का इजहार कर सकें। अब हम एक ऐसी सरगर्मी देखते हैं जिसमें बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स नशोनुमा पा रही हैं। पहले हम शर्ट को जो है हाथ में डालेंगे, दोनों हाथों में। इस हाथ से शर्ट को इस साइड पे निकालेंगे, इस हाथ से इस साइड के शर्ट को, फिर फिंगर यूज करेंगे। एक थ्रेड इस फिंगर से निकालेंगे, दूसरा थ्रेड इस फिंगर से निकालेंगे, तो हमारे पास ये शेप बन जाएगी। थ्रेड को दोबारा से पकड़ा और अगेन हमारे पास वही शेप दोबारा आ गई। इसके बाद आप दोबारा इसको इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे तो आपके पास वही शेप अगेन वही बनती जाएंगी। फाइन मोटर स्किल्स से मुराद हाथों, आंखों और चेहरे के आसाब को किसी काम के लिए मजमूई तौर पर आहिस्तगी से इस्तेमाल करना है। जिस्मानी नशोनुमा रवायती खेल। बच्चे की ग्रॉस मोटर स्किल्स की नशोनुमा और सकाफत से आगाही के लिए एक मकामी खेल कोकला छपाकी खेला जा रहा है जिसमें जिस्मानी पत्थरों को बड़े कामों में इस्तेमाल के लिए नशोनुमा दी जा रही है। बच्चे मिलकर कोड़ा तैयार करेंगे और आपस में खेलेंगे। कोकला छपाकी पाकिस्तान के हर सूबे में खेला जाता है और ये एक पसंदीदा रवायती खेल है। छूने की हिस्की नशोनुमा। बच्चों आप छूने की हिस्की नशोनुमा के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। आपके साथ ये जो मैं एक्टिविटी करूंगी इसके लिए आपने मुख्तलिफ चीज़ों को हाथ लगा के बताना है कि वो सख्त हैं या नर्म। अब आंखें अपनी बंद कर लें। आप बताएं सख्त या नर्म। नर्म नर्म, ये चीज़ नरम। गुड, आप इसको हाथ लगा के दिखाएं सख्त या नरम। सख्त सख्त, आपने भी ठीक बताया है। आप बताएं सख्त है या नरम, ये क्या कौन सी चीज है। नरम नरम, गुड, आपने भी ठीक बताना है। आंखें नहीं खोलनी किसी ने भी। बताएं सख्त है या नरम। नरम, ये बॉल है लेकिन ये बहुत नरम है। आप हाथ आगे करें। नरम है या सख्त, ये क्या चीज है। सख्त है, गुड। आप सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। सेल्फ डिफेंस। एक महफूज जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि इनको जिस्मानी तौर पर किस तरह के खतरात लाहक हो सकते हैं। बच्चों को सिखाने के लिए आइए देखते हैं एक कहानी। ये अली है, पढ़ाई में अच्छा और खेल में भी, लेकिन अली की एक बुरी आदत थी कि उसे माचिस से खेलने का बहुत शौक था। इसकी अम्मी अब्बू ने इसे कई बार मना किया मगर वो बाज ना आया।
एक दिन अली इसी तरह माचिस से खेल रहा था कि अचानक माचिस की तीली को आग लग गई और अली की उंगलियां जल गईं, जिससे उसे बहुत तकलीफ हुई। इसी तरह घर में और भी कई चीजें होती हैं जिनसे आपको नहीं खेलना है, मसलन कैंची, छुरी, बिजली की तारें और स्विच और किसी भी किस्म के औजार। ट्रैफिक कवानीन का एहतराम आम करने के लिए भी जरूरी है कि बच्चों को इन कवानीन और जवाबित के बारे में शऊर दिया जाए। ये है सड़क पार करने का गलत तरीका। बच्चों, आपने जब भी सड़क पार करना हो पहले दाएं और उसके बाद बाएं देखें और इसके बाद सड़क पार करें। दूसरी अहम बात ये कि सड़क पार करने के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ियां ज़ेबरा क्रॉसिंग के करीब अपनी रफ्तार आहिस्ता कर लेती हैं।